आज की ज़ेन कथा। तोकुगावा काल के पूर्व जापान में रहने वाला एक योद्धा ताइको चाय का शिष्टाचार, जिसे चानो यू कहते हैं, ज़ेन गुरु सेन नोरोक्यू के पास सीख रहा था। एक ऐसे ज़ेन गुरु जो संतोष और शांति के सुंदर अभिव्यक्ति थे। ताइको के सहायक योद्धा कातो ने अपने अधिकारी के चाय शिष्टाचार प्रशिक्षण के प्रति इस उत्साह को राष्ट्र के प्रति लापरवाही माना। अतः उसने सेन नोरोक्यो की हत्या का निर्णय लिया। उसने चाय विशेषज्ञ गुरु से अनौपचारिक रूप से मिलने का बहाना बनाया और उसे चाय पीने का निमंत्रण मिला। ज़ेन गुरु, जो अपनी कला में भली भांति प्रवीण थे, एक झलक में ही योद्धा का गुप्त अभिप्राय समझ गए। अतः उन्होंने कातो को चाय समारोह हेतु अपनी तलवार कमरे के बाहर ही छोड़ने का आमंत्रण दिया, यह बताते हुए कि यह जो टी सेरेमनी है चानो यू स्वतः ही शांति का प्रतिनिधित्व करती है। कातो ने इसका पालन नहीं किया। मैं एक योद्धा हूं, उसने कहा, मैं अपनी तलवार सदैव अपने साथ रखता हूं। चानो यू हो या न हो, तलवार मेरे साथ है। बहुत अच्छा, अपनी तलवार भीतर ले आओ और चाय लो, गुरु सेन नोरोक्यो सहमत हुए। कोयले की आग पर केतली उबल रही थी। अचानक ज़ेन गुरु सेन नोरोक्यो ने उसे झुका दिया। तेज आवाज के साथ भाप उठी और कमरा राख मिश्रित धुएं से भर गया। आश्चर्यचकित योद्धा बाहर निकल गया। चाय विशेषज्ञ ने माफी मांगी। यह मेरी गलती थी, भीतर आ जाओ और थोड़ी चाय लो। मेरे पास यहाँ तुम्हारी राख से भरी तलवार है, मैं इसे साफ कर तुम्हें दे दूंगा। इस घटनाक्रम में योद्धा ने जाना कि वह चाय विशेषज्ञ की हत्या का निष्पादन ठीक ढंग से नहीं कर सका, अतः उसने विचार ही छोड़ दिया। आज के इस छोटी सी ज़ेन कथा में जो ज़ेन का स्वाद है, अचानक अभी और यहीं का हमने महसूस किया। काश हम शांत हो सकें और भीतर गूंजते जो शब्दों और ध्वनियों को शून्य कर सकें, तो जीवन में जो सर्वाधिक आधारभूत है उसके निश्चित ही दर्शन हो सकते हैं। इस घटना में भी वो जो भीतर का शून्य था ज़ेन गुरु का, खाली उस सामने उस योद्धा के विचारों को उन्होंने देखते ही महसूस किया। यह कोई चमत्कार नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम ध्यान साधना करते हैं तो दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं। वो सहज वर्तमान में जो इस घटना में झलक मिलती है कि अगर आप टोटल मौजूद हैं स्वयं में और
खाली है सब, तो वो विचारों का जो स्पंदन है वो महसूस किया जा सकता है। इसके लिए हम ध्यान नहीं करते, यह परिणाम होता है। कोई चाह नहीं होती, जो झलक हमने देखा, और उन्होंने कुछ मना भी नहीं किया, छोटा सा कृत्य किया कि बस वो जो उस योद्धा के भीतर सतत जो प्रवाह था कि मुझे हत्या करनी है, अचानक वो झटका मिला और उसने महसूस किया कि बदल गया सब। कई सारे ऐसे घटनाक्रम हमने देखे हैं कि एक से एक जो ऐसे कृत्यों को करने वाले, कोई उंगलीमाल जैसे हत्यारे की कथा हम जानते हैं कि बुद्ध की शरण में आए और कैसे बदला सब कुछ। तो ऊर्जा वही है, जरा उसको एक चोट मिले, सही दिशा मिले, तो उसका ही ऊर्ध्वगमन हो सकता है। तो आज के ध्यान के लिए हम बैठेंगे। बार बार सभी मास्टर्स एक ही बात सिखाते हैं कि अपनी अंतरात्मा के अलावा और कुछ भी अनुकरणीय नहीं है। वहां जो आलोक का आविष्कार कर लेता है, उसका समग्र जीवन आलोक हो जाता है। ले जाना है आंखों को भीतर, और वह जो प्रकाश है भीतर, जो स्वयं में है, उसके ही शरण जाना है। तो आज की जो यह विधि है, आंखें बंद करके स्थिर होकर एक जगह पे बैठना और एक का अनुभव करना, तो शरीर को आराम से कर लें। ऐसी जगह बैठें जहां कोई कम से कम 20 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, और सुबह या दोपहर के समय इस विधि को करें तो अच्छा, रात में नहीं। तो श्वास को शिथिल कर लें, जितना सहज हो सके उतना कर लें। आराम से नाक को छूती हुई श्वास भीतर आ रही है, फिर बाहर जा रही है, और हर बाहर जाती श्वास के साथ भीतर ही भीतर कहें एक। जैसे ही श्वास बाहर जाने लगे, ऐसे बोलना नहीं, भीतर ही भीतर, और भीतर ही भीतर कहना नहीं, महसूस भी करना कि जैसे पूरा अस्तित्व एक है, अखंड है। एक कहना मदद कर सकता है, अगर लगे कि धीमे से एक दोहराना है। तो वो भी ठीक, पर आहिस्ते से, और सिर्फ वाणी से नहीं, भी पूरी तरह इसको महसूस करना कि यह पूरा अस्तित्व एक है और मैं भी उसका एक टुकड़ा नहीं, बस समाहित हो गया हूं एक में ही। हर बाहर जाती श्वास के साथ भीतर श्वास आए तो कुछ भी नहीं, आराम से, और हर बाहर जाती श्वास के साथ एक। यह इतना शांत कर देता है, इतना मौन और इतना समग्र कर देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रात में नहीं करना है, अच्छा हो सुबह या दोपहर करें, यह विश्रांत करता है काफी। रात में करेंगे अगर तो थोड़ी नींद में तकलीफ हो सकती है, तो सुबह या दोपहर करेंगे। बैठिए 20 मिनट के लिए, संगीत चलेगा, आराम से श्वास को लेना, और हर बाहर जाती श्वास के साथ एक। आहिस्ते से बोलना, महसूस करना।
ले जाएं विचार इधर उधर, फिर से वापस। एक, 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 श्वास भीतर जा रही है तब कुछ भी नहीं, बाहर आती श्वास के साथ। एक, शरीर शांत है, श्वास भी सहज चल रही है और एक ही ख्याल, एक। और जब लगे कि बिल्कुल शांत होने लगा है सब, तो चुपचाप फिर बैठे रह जाएंगे।